प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अतिशयोगमन पर चर्चा करेंगे। अतिशयोगमन अर्थात हाइपर कंजुगेशन, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड का पार्ट है। आइए टेबल ऑफ कंटेंट्स हम देखते हैं। विद्यार्थियों को सीखने का प्रतिफल अर्थात लर्निंग आउटकम क्या होगा, यानी आपको इसको सीखने को क्या मिलेगा, ये प्रस्तावना। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अतिशयोगमन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन यानी कि रिवर्स अतिशयोगमन क्या होता है, अतिशयोगमन के अनुप्रयोग क्या है, फिर आपके लिए एमसीक्यूज है अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न और संदर्भ जिससे हमने ये मटेरियल लिया है। विद्यार्थी को सीखने का प्रतिफल अर्थात आपको सीखने को क्या मिलने वाला है, विद्यार्थी अतिशयोगमन को समझ सकेंगे और बंद बनने और बंद लंबाई के प्रति उनकी समझ बढ़ेगी। अणु की संरचना के बारे में आप जान सकेंगे। बंद बनने और आयनिक अनायनिक संरचना के बारे में आप जान सकेंगे। अतिशयोगमन के लिए अणु में आवश्यक वातावरण क्या होना चाहिए उसके बारे में आप जान सकेंगे और अतिशयोगमन के विभिन्न अनुप्रयोगों को भी समझ सकेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने संयुग्मन के बारे में चर्चा की थी। तो संयुग्मन जो है क्या है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड युक्त कोई यदि अणु है जिसमें कि एकांतर अर्थात अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है तो इसे संयुग्मन कहते हैं अर्थात अणु संयुग्मन की स्थिति में है। इसको और जानने के लिए आप इस हाइपरलिंक को क्लिक करके टेक्स्ट देख सकते हैं। अब हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानने वाले हैं। हाइपर कंजुगेशन में जब कोई अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन अर्थात ये जो CH था यहाँ पर वो किसी यदि उसके साथ में जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड O यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में यदि कंजुगेशन में है अर्थात सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में कंजुगेशन में है तो इस स्थिति को हम अतिशयोगमन कहते हैं। तो इस प्रकार के संयुग्मन को हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एक एल्किन की उदाहरण हम लेते हैं। ये एक एल्किन का उदाहरण है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि तीन कार्बन है और तीन कार्बन में एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम देखें कि डबल बॉन्ड से आगे वाला कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब CH बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड C जो है अर्थात उसमें पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड जो है अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन जो है अगले कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो ये सी एच के जो इलेक्ट्रॉन है वो सी और सी के बीच में आएंगे। इससे जो संरचनाएं बनेगी संरचना बनेगी वो इस प्रकार रहेगी जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से हमको एक आयनिक संरचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सी और एच के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड गायब हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है सी और सी के बीच आ जा रहे हैं, इसलिए जो है ये बॉन्ड ये जो हाइपर कंजुगेशन है इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये दो संरचनाएं थी इसकी। आइए देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण यानी कि स्थानांतरण के कारण जो है संरचनाएं बनती है। तो प्रोपिलिन का उदाहरण हम लेकर के समझते हैं। प्रोपिलिन जो है वो चार संरचनाएं प्राप्त होती है जिसको हम हाइपर कंजुगेटिव संरचनाएं कहेंगे। ये एक प्रोपिलिन है जिसमें तीन कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। सी और सी के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अगले कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो आप देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है तभी ये हाइपर कंजुगेशन की स्थिति बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन पे आएंगे तो ये सी और एच के जो इलेक्ट्रॉन है वो सी और सी के बीच में आएंगे जिससे कि जो अगली संरचना बनेगी वो
ये वाली होगी जिसमें कि सी और एच के बीच का बॉन्ड गायब हो गया है और सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब हम देखते हैं कि यदि इधर वाला सी एच के जो इलेक्ट्रॉन है वो सी और सी के बीच में आते हैं तो जो संरचना बनने वाली है वो ये होगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो सी एच बॉन्ड था वो गायब हो गया है और इसलिए एच के ऊपर जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि नीचे वाला हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन यदि सी और सी के बीच में आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संरचना बनेगी वो नीचे वाले सी और एच के बॉन्ड जिस उसमें जो है गायब हो जाएगा और एच के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से जो है प्रोपिलीन की चार संरचनाएं बनेगी। तो जब बॉन्ड गायब हो जा रहा है इसलिए इसका हाइपरकंजुगेशन को हम जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। आइए हम प्रोपिलीन को उसके ऑर्बिटल संरचना से समझते हैं। ये एक प्रोपिलीन का उदाहरण है जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑर्बिटल संरचना है उसकी और इस सी और सी के बीच में पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, सी और एच के बीच में जो है सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड के जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड के बीच में दो ऑर्बिटल्स के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है जिनके बीच पाई बॉन्ड है। इससे जो है सी एच बॉन्ड के जब इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है इस सी और सी के बीच में यानी कि जो नया पाई बॉन्ड बनने वाला है वहां पर, तो आप देख रहे हो कि इस सी और सी के बीच में जो है पाई बॉन्ड बन गया है सी और सी एच के बीच में और टर्मिनल सी पर यानी कि कोने वाले सी पर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया है, एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से दो संरचनाएं बनती है, इसको हमने ऑर्बिटल रूप में देखा। अतिसंयुग्मन के लिए हम देख लेते हैं आवश्यक शर्त क्या है। अतिसंयुग्मन में हम जानते हैं कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अतिसंयुग्मन की स्थिति नहीं होगी यानी कि हाइपरकंजुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगा हुआ है तो रिवर्स हाइपरकंजुगेशन की स्थिति। आइए हम रिवर्स हाइपरकंजुगेशन को देखते हैं। रिवर्स हाइपरकंजुगेशन में यह एक टिपिकल एग्जांपल है जिसमें कि हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, एक्स जो है हेलोजन मान सकते हैं उसको, उसमें सी एल बी आर या आई कोई भी एटम हो सकता है। अब सी और एक्स के इलेक्ट्रॉन जब एक्स के ऊपर आ जाएंगे तो सी डबल बॉन्ड सी के इलेक्ट्रॉन सी सी के बीच में आ जाएंगे, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसके कारण जो है हाइपर कंजुगेशन का जो प्रभाव है वो उल्टा होगा। यानी कि पहले हमने देखा था कि तीर आगे की तरफ थे, अब तीर उल्टे चल रहे हैं यानी कि पीछे की तरफ है, एक्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और इस सी और सी के बीच में पाई बॉन्ड नया बन गया है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना हम भूल गए हैं, पॉजिटिव चार्ज इस लास्ट वाले कार्बन पे आएगा और एक्स जो है ये जो हेलोजन परमाणु था वो एक्स माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। अतिसंयुग्मन के लिए आवश्यक शर्तों के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि ये प्रेणिक प्रभाव से प्रबल है हाइपर कंजुगेशन का प्रभाव, और जितने ज्यादा अल्फा एच जुड़े होंगे हाइपर कंजुगेशन प्रभाव उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, यानी कि जिस अणु में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही ज्यादा उसमें हाइपर कंजुगेशन प्रभाव होगा। तो इसको सबसे पहले बेकर और नाथन ने नोट किया था उनके प्रयोगों के द्वारा, इसलिए इसको बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब तीन अल्फा एच है तो तीन अल्फा एच होने के कारण इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और जिसमें बिल्कुल कोई भी अल्फा एच नहीं है उसमें कोई हाइपर
कंजुगेशन की स्थिति नहीं होगी, अर्थात उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल संरचना, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें अल्फा एच नहीं होंगे वो कम स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तीन एच अल्फा एच है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर दो अल्फा एच होंगे तो उससे कम स्टेबल होगा, और एक ही एच है अल्फा तो उससे भी कम स्टेबल होगा, और जिसमें बिल्कुल ही अल्फा एच नहीं है वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब आइए हम अति संलग्न के अनुप्रयोग के ऊपर चर्चा करते हैं, अर्थात एप्लीकेशंस। सबसे पहले देखते हैं एल्केन का स्थायित्व। किसी भी एल्काइन का स्थायित्व इस बात पर निर्भर है कि किसी भी एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कितनी है। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी उतनी ज्यादा एल्किन जो है स्थायी होगी। इसको हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये सबसे पहली जो एल्किन है जिसमें दो और तीन पोजीशन पे जो है मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, 2,3-dimethylbutene। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 12 अल्फा एच है। दूसरी एल्किन 2-methylbutene जिसमें 9 अल्फा एच है, और तीसरी एल्किन जो है वो केवल ब्यूटीन है जिसमें 6 अल्फा एच है। तो इस तरीके से जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे एल्किन उतने ज्यादा स्थाई होगी। तो 12 अल्फा एच के कारण 2,3-dimethylbutene जो है सबसे ज्यादा स्थाई है, जबकि ब्यूटीन सबसे कम होगी। फिर एल्किन के स्थायित्व में हम फिर से देखें, ये दूसरा जो है 2-methylpropene, इसमें जो है केवल आपको 6 अल्फा एच दिखाई दे रहे हैं, और प्रोपीन और फिर एथिलीन, तो एथिलीन सबसे कम स्थाई होगी। अगले अनुप्रयोग में हम देखते हैं बंद लंबाई, जब कार्बन कार्बन की नॉर्मल बॉन्ड लेंथ जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण ये सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ घट करके 1.47 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जबकि सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ 1.33 से बढ़ करके 1.35 एंगस्ट्रॉम। अगले अनुप्रयोग में हम देखते हैं कार्बोकैटायन और मुक्त मूलक का स्थायित्व। तो कार्बोकैटायन में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अल्फा एच जिस कार्बोकैटायन में होंगे वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि उसमें 3 CH3 लगे हुए हैं, इन 3 CH3 के जो है 9 अल्फा एच है, तो सबसे ज्यादा इसमें डीलोकलाइजेशन होगा, तो हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा इसी में होगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्थाई होगा। दूसरे वाले एग्जांपल में यानी आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है जैसे, तो इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं, तो 6H अल्फा एच हुए, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल की तुलना में कम स्थाई होगा। इसी प्रकार जो है इथाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो इसमें केवल 1 CH3 है, 3 अल्फा एच है, अर्थात यहाँ पर जो है केवल 3 अल्फा एच है जो हाइपर कंजुगेशन भाग लेंगे, और CH3 में कोई भी अल्फा एच नहीं है, इसलिए सबसे कम स्थाई ये होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं सबसे अधिक स्थाई जो है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्थाई जो है वो मिथाइल कार्बो। इसी प्रकार जो है आपके मुक्त मूलक के लिए हम बात करते हैं, तो मुक्त मूलक में सेम स्थिति है, यानी अल्फा एच जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उस मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थाई होगा, अर्थात टर्शियरी ब्यूटाइल मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थाई होगा, जबकि मिथाइल मुक्त मूलक सबसे कम स्थाई होगा क्योंकि उसमें कोई अल्फा एच नहीं है। यहाँ पे वही स्थिति है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे तभी पॉसिबल होगा, और हाइपर कंजुगेटिव संरचना है उसकी सबसे ज्यादा बनेगी। अब
अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पे, क्योंकि हम हाइपरटेंजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है आपका तृतीयक, दूसरा ऑप्शन है आपका द्वितीयक, तीसरा है प्राथमिक, चौथा है कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ये आप सोचिए। तो आपका सही आंसर है ए, यानी तृतीयक। आप जैसे पढ़ चुके हैं तृतीयक कार्बोकेटायन होता है। फिर किस मुक्त मूलक का स्थायित्व तो सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है तृतीयक, द्वितीयक, फिर आपका प्राथमिक और कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है क्या होना चाहिए, जैसा कि कार्बोकेटायन में होता है वैसे ही मुक्त मूलक में होता है, तृतीयक का सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है। इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अणु में हाइपर कंजुगेशन होता है? तो हम जानते हैं कि एल्किन में ही होगा हाइपर कंजुगेशन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एल्केन है, प्रोपीन एल्केन है, तो प्रोपीन में होगा। इस प्रकार आंसर प्रोपीन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अणु में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है? तो हमको मालूम है कि एल्किन में होता है, अर्थात प्रोपीन ब्यूटीन और पेंटीन तीनों एल्किन है, मीथेन एल्केन है, तो मीथेन में नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, मीथेन। ये कुछ रेफरेंसेस है जिनसे हमने ये मटेरियल अर्थात जो सामग्री ली है वो इन रेफरेंसेस से ली है। तो ईपीजी पाठशाला आप इस लिंक को क्लिक करके जो है टेक्स्ट देख सकते हैं, और हमारा भी ई टेक्स्ट है उसको भी आप जो है रिफर करें। सेकंड आपका जो है सेकंड में वही लिंक दी हुई है, और थर्ड आपका रेफरेंस है जो है रिएक्शन एंड रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डॉक्टर ओपी अग्रवाल। चौथा आपका जो है नॉलेज टू नॉलेज इन केमिस्ट्री, एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2011। पांचवा आपका है युवक रसायन, बीएससी प्रथम वर्ष से लिया हुआ है। और छठा शिवलाल, रसायन विज्ञान, बीएससी प्रथम वर्ष इससे जो है हमने लिया हुआ है। थैंक यू ऑल।